अचानक आधी रात शाहीन बाग में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, विरोधियों पर चलेगा डंडा। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, सीए का विरोध करती थी लाखों करोड़ों लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कुछ देशवासियों को तो बेसब्री से था, लेकिन कुछ इस पर बवाल काटने की फिराक में थे। ठीक उसी तरह जैसे 2020 में काटा था, बिना सीएए को पढ़े, बिना उसका ड्राफ्ट देखे शाहीन बाग में काटे गए बवाल को भला कौन भूल सकता है। लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार और गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह के सामने अब बवाल काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। तभी तो सोमवार को सीएए पूरे देश में लागू कर दिया गया और कहीं से कहीं तक कोई बवाल की खबर सामने नहीं आई। बवाल तो छोड़िए, हल्का फुल्का विरोध भी कहीं नहीं हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि विरोधी दल के नेता इस पर जबरदस्त बयानबाजी करते हुए नजर आए। पार्लियामेंट में बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मैटर अभी भी मामला पड़ा हुआ है, पर उसको अलग रखिए, अधिनियम बना। मेरा सवाल यही है, अधिनियम बना, डिबेट हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, मतभेद है, हमारे विचार अलग हैं, हमने कई सवाल उठाए, आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्यों कर रहे, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए, ये रूल पहले क्यों नहीं आया, 2020 में क्यों नहीं आया, 2021 में क्यों नहीं आया, 22 में क्यों नहीं आया, 23 में क्यों नहीं आया, जब अब चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने बाकी हैं, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में रणनीति, जो चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, उसको पोलराइज करने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए ये किया गया। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इस एक्ट के जरिए एक कम्युनल फीलिंग्स पूरा देश में फैलाया जा रहा है और ये एक्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके जरिए खास करके असम का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये टोटली खत्म करने का एक प्रयास है। इस एक्ट के जरिए ये खत्म हो जाएगा। असमीज का जो आइडेंटिटी है, असमीज का जो अस्तित्व है, उसको खत्म हो जाएगा। इसीलिए एज ए असमीज इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करता रहूंगा। देखिए, बात यह है, सीए क्या है, किसको नागरिकता देना है, ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आज भी केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पर मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं, तो सीए की जरूरत क्या थी। क्रोनोलॉजी समझिए आप, टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सूचना है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई, इसलिए हम बोलते हैं कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे, देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला, तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिये, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते, और आप सीए को एनपीआर एनएससी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट एयर करके नहीं देख सकते आप, तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। वैसे तो सीएए देश भर में लागू हो गया, इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई, लेकिन इसी के साथ सोमवार देर रात से ही शाहीन बाग समेत कई इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहा, इसीलिए अलग अलग फोर्स शाहीन बाग में रात भर भ्रमण करती हुई नजर आई।
जी कहाँ गए? आपको बता दें, सीएए के लागू होते ही सोशल मीडिया पर शाइनबाग ट्रेंड करने लगा। इसके विरोध में हुआ हो हल्ला और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। लेकिन इसी बीच बिना किसी कोताही के सरकार की तरफ से फोर्स की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया, जिसका अमल जमीनी स्तर पर भी होता हुआ नजर आया। आप सोचिए, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही कि सीएए लागू हो गया और कहीं कोई हो हल्ला नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शाहीनबाग जरूर ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। सीएए का विरोध करती थी लाखों करोड़ों लोग।